आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर अमीन आलम का डिजाइन किया ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द क्विज। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द क्विज बताऊंगी एंड आपको कंप्लीटली उसको सॉल्व आउट भी करके दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन करें और अब तक आपने मेरी डाइजेस्टर फाउंडेशन क्विज आंसर गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया, सो मेक श्योर कीजिए कि बॉटम टू द टॉप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। इसमें दिए गए रेड सर्टिफिकेशन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कोडिंग प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे पास 1 से 5 पार्ट तक जो येलो वीडियो अवेलेबल है वीक क्वेश्चन के नाम से, आप इनको लाजमी चेकआउट कीजिए। आपकी कोडिंग के अंदर ही आपकी काफी हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ साथ PIAIC का मैंने एक पेपर आपको प्रूव आउट करके दिया है, इसे भी चेक करें। और यहाँ पर 50 थ्योरेटिकल एंड कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आपके मैंने एक वीडियो का फाइंड आउट किया, आप इस वीडियो को भी चेकआउट करें ताकि आपकी हेल्प होती रहे यहाँ पर कंपाइलेशन से रिलेटेड। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने GIAIC एग्जाम पोर्टल के अंदर लॉग इन करना है। आप अपनी आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉग इन करोगे। लॉग इन करने के बाद आपके पास एक अंदर इंटरफेस ओपन अप होगा। अगर आप इसको गौर से देखो तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें आपका ओवरऑल स्कोर, क्विज कंप्लीशन और साथ में आपके असेसमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्विज रहेगा। आपको यहाँ पर टोटल एटलीस्ट 42 मार्क्स लेने हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव में पास होना चाहते हो, और अगर आप सब्जेक्टिव में पास होना चाहते हो तो आपने एटलीस्ट 28 मार्क्स यहाँ पर कंपाइल करने हैं। तो दोनों से रिलेटेड मैं आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बताऊंगी। आज जो है वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डिटेल्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है वो अपनी क्विज की के थ्रू इस क्विज को कंपाइल करना है। अच्छा, ये बात याद रखें कि 15 MCQs है, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स है और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60% मार्क्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए टोटल, क्योंकि आपके पास 40 मिनट्स का टाइम है। तो आप कोशिश कीजिए कि 20 मिनट्स में अपने ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करें एंड एटलीस्ट 20 मिनट्स अपने सब्जेक्टिव टाइप के लिए रखें, ताकि आपके पास जो है वो डिफिकल्टी नहीं हो इसको एस करने के लिए। चलिए बताओ, पेस्टिंग का टाइम अपनी की को पुट आउट करते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट वो क्वेश्चन सॉल्व आउट करके दिखाती हूँ जो कि मेरे पास आया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड आउट करूंगी, सो आप मेक श्योर कीजिए कि क्विज तो चेक कीजिए लेकिन साथ ही साथ वीडियो को भी लाजमी गौर से सुनिए। तो क्विज पैटर्न के लिए हमारे पास थी यहाँ पर TSQ, जिसको मैं लिखने के बाद इंटर करूंगी। आप इस स्टार्ट एग्जाम के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टल में किसी तरीके का कोई इश्यू है तो मेक श्योर कीजिए कि अपने एग्जाम से पहले उसको लाजमी जो है वो आप कंप्लीट आउट करा लीजिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की डिफिकल्टी पेश नहीं आए एग्जाम को क्लियर आउट करते हुए। एग्जाम की बात करूं तो 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती हूं और उनके सॉल्यूशंस भी बताती हूं। तो हम यहां पर अगर अपना सबसे पहला क्वेश्चन चेकआउट करें तो मेरे पास यहां पर मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली फंक्शन से रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात की गई है, जो कि ओपी फंक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास एबिलिटी टू ओवरराइड द मेथड्स। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होती है, अपनी सब क्लास की इम्प्लीमेंटेशन होती है जो कि हम पैरेंट क्लास के थ्रू करते हैं, और यहाँ पर इसको एज एन इंटरफेस ट्रीट करते हैं। देन मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपने बताना है कि फंक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपको पता है कि फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन देते हैं, फंक्शन का नाम, उसके पैरामीटर्स एंड देन जो भी वैल्यूज मुझे रिटर्न करानी होती है मैं वो वैल्यू रिटर्न कराती हूँ। आपके पास सब्जेक्टिव टाइप के अंदर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपको फंक्शंस बनाने होंगे और उसकी वैल्यूज रिटर्न करनी होंगी। एसिंक्रोनस, एरो फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन से रिलेटेड आपके पास लास्ट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। देन आपके पास वेरिएबल टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप बताया वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो सबको पता है कि हम लेट करके यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली पूछे तो मेक श्योर कीजिएगा कि बार वाले ऑप्शन को जो है वो आप चूज आउट करें, क्योंकि समटाइम जो है वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन भी पूछता है। इसके बाद प्योर फंक्शन के बारे में पूछता है, तो आप प्योर फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो आपको यहाँ पर इफेक्ट को कॉज नहीं करते और रिटर्न करते हैं सेम इनपुट को, वो यहाँ पर हमारे प्योर फंक्शन होते हैं। इसमें आप रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज वाले ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। रेडियो बटन एंड चेकबॉक्स को अकॉर्डिंगली देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैपिंग टाइप वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है, एरे फंक्शन के साथ जो है हम इसको बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेडियो फंक्शन में डिफाइंड है तो आपने
एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर चेक बॉक्सेस बने होंगे तो आप एक से ज्यादा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से देखकर ध्यान से कीजिएगा। मैप एंड पैक जो होती है वो एरे से रिलेटेड होती है, तो आप एरे वगैरह को भी यहाँ पे चेक कीजिए, खास करके ज्वाइन कॉनकैट के जो मेथड्स है हमारे पास वो फिल एंड फिल्टर के, वो एरे में से आपसे पूछे जा रहे हैं। देन पूछते हैं हाउ कैन यू यूज एम्बिएंट डिक्लेरेशन टू डिफाइन द टाइप ऑफ द एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। आप किस तरीके से एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यहाँ पर क्रिएट करते हो, तो हम डिक्लेयर कीवर्ड का यूज कर यहाँ पर इसको यूटिलाइज करते हैं। पॉपुलर टाइप स्क्रिप्ट लिंक्डइन एंड कोन फॉर्मेटर के अंदर हमारे पास ES, लिंक्ड एंड प्रिटियर की जो कमांड है वो यूज होती है। ये सवाल भी बहुत सारे बच्चों से पूछा गया है, सो हो सकता है कि आपसे भी पूछा जाए, तो इसको आप जो है वो लाजमी कंटेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ JSON टाइप स्क्रिप्ट की आपके पास एक एक्सटेंशन भी होती है, जो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको इंस्टॉल्ड आउट कराई थी। अगर आपसे उससे रिलेटेड पूछा जाए तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। देन कहते हैं हाउ कैन यू इंटीग्रेट लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स इनटू योर डेवलपमेंट वर्कफ्लो। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए प्री कमिटेड हुक्स एंड CI सीरीज का यूज करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अब उसको डायरेक्टली जो है वो अपने CI के थ्रू इंस्टॉल कर लेते हैं लिंटर्स और फॉर्मेटर्स को अपने VS कोड की एक्सटेंशन के अंदर। तो ये फायदा होता है हमारे पास यहाँ पर इसको कंपाइल करने का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ पर चलते हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ इससे पहले कि फंक्शंस, एसिंक्रोनस, आपके पास प्रोमिसेस, इस तरीके की जो चीजें हैं ना, इससे आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे पास सब्जेक्टिव से रिलेटेड हो। तो आप मेक श्योर करो कि आप जो है वो उसे लाजमी चेकआउट करो। इन सारी चीजों को सबके लिंक में आई बटन पे प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप स्क्रिप्ट नोटबुक के नाम की प्लेलिस्ट प्रोवाइड आउट करती हूँ, सो मेक श्योर करो कि उसे भी आप लाजमी चेकआउट करो। फिर पूछता है व्हाट इज द टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप जब अपने फंक्शन को यहाँ पे रिवर्स कराते हो वो कौन से मेथड से कराते हो, तो रिवर्स और जॉइन के मेथड से कराते हो। देन आपसे पूछ रहे हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कॉन्टेंट होता है जो कि हम यूज करते हैं, और ये ग्लोबली स्कोप रहते हैं। लेट और कॉन्स्टेंट से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, काफी लोगों से पूछा है सब्जेक्टिव में कि लेट एंड कॉन्स्टेंट में से कौन सा ग्लोबली होता है स्कोप, और आप उसको एग्जाम्पल दें, तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव टाइप के अंदर चूज आउट कर सकते हैं। देन आपसे यूनियन टाइप्स के बारे में एक सवाल किया गया, तो आपने बताना है कि यूनियन टाइप्स क्या होती है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो हम डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल को जो कि हमारी वैल्यूज को होल्ड करती है डिफरेंट टाइप की, हमारे पास यूनियन टाइप्स कहलाती है। अच्छा, मुझे कोई स्थिति में पता नहीं था कि हम रेडियो बटन को सिंगल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे इस सवाल का जवाब है यूज JS डॉक एंड कॉमेंट्स, लेकिन जहाँ पे आपके पास चेक बॉक्स है वहाँ पे एक से ज्यादा भी जो है वो चूज आउट कर सकते हो। तो अगर आप एक भी चूज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चूज आउट करना चाहो तो आप वो भी चूज कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन अ क्यूरी फंक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे यूज द फंक्शन दैट रिटर्न अनदर फंक्शन, या फिर यूज द फंक्शन दैट टेक मल्टीपल आर्गुमेंट्स। ये दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आउट हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली मैंने एक ही चूज आउट किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हम चेक बॉक्स के थ्रू दो आंसर भी चूज कर सकते हैं। तो जहां पे चेक बॉक्स बना है मेक श्योर कीजिए कि एक से ज्यादा आंसर अगर आपको सही लगते हैं तो आप उसको चूज आउट करें, और अगर नहीं लगते तो गलती नहीं करें, जो एक आंसर आपको ठीक लग रहा है आप वही एक आंसर यहाँ पर चूज आउट कीजिए। तो अप्रोक्सीमेटली 13 क्वेश्चन मैंने कंपाइल आउट कर लिए, फिर से बताती चलूँ 20 मिनट्स में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए एंड एटलीस्ट 42 मार्क्स आपने ग्राफ करने हैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव भी आप एस करोगे और सब्जेक्टिव भी आप एस करोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। देन मेरे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप बताएं टाइप असर्शन क्या होती है। तो हम कंपाइलर को बताते हैं कि उसको कौन सी टाइप को यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, मैंने अपने जो है वो स्टूडेंट्स को स्ट्रिंग एंड नंबर से रिलेटेड काफी ज्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आउट की है, तो आप उसको लाजमी चेकआउट कर सकते हैं टाइप असर्शन के लिए। एक्सेस मॉडिफायर का आखिरी क्वेश्चन है, तो हम जो है वो यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू उसको डिफाइन करते हैं जो कि हमारे क्लास मेंबर्स को यहाँ पे एक्सेस करता है। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव का क्वेज दे लोगे तो सब्जेक्टिव का क्वेज आपके पास शुरू होगा, लेकिन मैं उसको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपके लिए कंपाइल आउट करूंगी। बट यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहती हूँ उससे रिलेटेड, तो बता देती हूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है आपने उसको भी यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करना है। 28 मार्क्स है आपके पास वो कंप्लीट करने के लिए। इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, लूप्स, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, प्रोमिसेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको लाजमी चेकआउट कीजिए। बहुत सारे बच्चे स्टिल कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, बट मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगी, आपके सब्जेक्टिव में भी आएगी और आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आएगी आपके पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दो चीजें, एक कहलाता है ऑब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है इंटरफेस, और ये दोनों चीजें आपको सर्दिया की
स्टेप 1 टू स्टेप 10 की रैपो के अंदर पढ़ाई गई हैं। तो आप किसी भी हालत में ये नहीं कह सकते कि वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट नहीं की जाएंगी। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप दोनों की लाजमी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो है वो आसानी से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। यहाँ पे भी आपके पास जो है कि कहते हैं टाइम होगा आपके क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप जो है वो कोशिश कीजिए कि 20 मिनट्स अपने सब्जेक्टिव के लिए रखिए और 20 अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको जो भी वीडियोस यहाँ से बताई है, 50 क्वेश्चंस ऑफ द थ्योरी, PAAIC का पेपर, इसके साथ साथ ये 5 जो येलो सर्टिफिकेशन है, साथ में जो 4 रेड सर्टिफिकेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको एस करना चाहते हैं। मैं आपको बता दी चलूँ की गवर्नेंस एंड IT इनिशिएटिव से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते जाएंगे उनके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इस ग्रुप के अंदर शेयर करूंगी जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं किसी भी और ग्रुप के अंदर वो क्विज वो पेपर्स वगैरह शेयर आउट नहीं करूंगी। तो इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, मेक श्योर कीजिए कि आप इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन आउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गवर्नेंस एंड IT इनिशिएटिव से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप सब्जेक्टिव टाइप वीडियो को भी लाजमी चेकआउट कीजिए क्योंकि ज्यादातर बच्चों को सब्जेक्टिव टाइप वीडियो के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।